Very good afternoon to all of you. Good afternoon. Today we are going to learn about the pronunciation of English language. Whenever we learn any accent, like American accent, British accent, Chinese accent, Polish accent, Canadian, Japanese, or Kantana, RP, any accent we have to learn. First of all, we have to learn the pronunciation, right? First of all, we have to learn pronunciation means uccharan, talaffuz. In Hindi, you can call it uccharan. Uccharan. All right. उच्चारण मीन्स द वे ऑफ स्पीकिंग दैट द वे ऑफ अटरिंग दैट उसको बोलने का तरीका समटाइम्स व्हाट हैपन यू नो देर आर सम स्पेसिफिक लेटर्स कुछ ऐसे स्पेसिफिक अक्षर हैं अगर आपने उसकी अच्छे से प्रोनंसिएशन समझ ली तो आप कोई भी एक्सेंट सीख सकते हो इफ आई स्पीक लाइक अ चाइनीज पीपल देन आई वुड साउंड लाइक टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अब आपको लगेगा कि व्हाट इज दिस क्या तोतले हो गए हैं आई एम नॉट थोतला बट आई एम जस्ट साउंडिंग लाइक अमेरिकन यू नो चाइनीज पर्सन So Chinese person pronunciation is different. When I talk about American persons, they speak like this. I want to talk about this today. I want to talk about this. When the British is baat karta hai ki, I want to talk to you. I want to talk to you. Americans wahi bolta hai, I want to talk to you. I want to aur ye wanna. Dono difference ho raha hai. Kis mein difference hai ye? Pronunciation. So let's look at this. Aaj hum baat karenge bas 6-7 letters ki. Jis letter ki help se aap koi bhi accent aram se seekh jaoge. Then K. Then R, T, P, V, W, and you have to learn R. I have written, na? Okay. So these are all the letters you have to understand first of all. और एक letter है आपका ये, बस. बस इतनी अक्षर के आप अगर आपने अच्छे से उच्चारण तलफ़ुज़ सीख लिया कि इसके कैसे बोले जाते हैं, then you can sound like American people, you can sound like Indian people, you can sound like Cantonese, Canadian, anyone. So let me give you an example. मुझे एक example देने दीजिए जैसे कि if I take example of I want to drink water का एक छोटा सा sentence if I write here. If I write I want to drink water. ठीक है If you look at this sentence, so actually I'm turning in the wire. All right. So I want to drink water. अगर यही कोई American पढ़ेगा so इसको बोलेगा I want to drink water. क्या बोलेगा वो I want to drink water. I wanna drink water, ठीक है वहीं पे कोई इंडियन पर्सन जैसे हम और आप में से कोई पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं I want to drink water, I want to drink water, like अलग कैसे हो रहा है प्रोनंसिएशन की वजह से उच्चारण की वजह से वी स्पीक इन अ नॉर्मल इंग्लिश हम लोग नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं तो हम ज़्यादा इंप्रेशन नहीं जाता लोगों के ऊपर बट वन वी स्पीक लाइक अमेरिकन पीपल देन एवरीबॉडी अप्रिशिएट्स सब लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं तारीफ करते हैं आई एम डिफरेंट हियर बिकॉज ऑफ माई एक्शन ओनली एक्सेंट की वजह से आई डोंट स्पीक एनी अदर इंग्लिश मैं कोई अदर इंग्लिश नहीं बोलता द सेम इंग्लिश आई स्पीक बट आई स्पीक इन एन एक्सेंट एक एक्सेंट में बात करता हूँ दैट्स वाई माई इंग्लिश इज डिफरेंट अब देखो इस चीज़ को आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश को एक ब्रिटिश पर्सन कैसे बोलेगा एक ब्रिटिश पर्सन जब भी बोलेगा तो वॉन्ट वो लोग नहीं बोलते बोलते ओंट या आई वॉन्ट टू तो बोलेंगे आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर आई ड्रिंक आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर वो आर को बोलते ही नहीं है जब लास्ट में होता है ना कभी भी आर को दे डोंट साउंड ब्रिटिश लोग नहीं साउंड करते तो ऐसे ही बोलते हैं आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर वाटर अब हमें क्या लगेगा वाटर नई चीज़ है अगर हम प्रोनंसिएशन के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें यही लगेगा कोई नया चीज़ बोला वाटर होता होगा कुछ वाटर अलग चीज़ है बट वाटर इज नॉट डिफरेंट राइट वही आर पी का जो होता है ना आर पी का और एक्सेंट है वो लोग ऐसे बोलते हैं इसको वाटर और ज़्यादा झटके से बोलते हैं आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर वाटर है ना चलो यही तलफ़ुज़ सीख लेते हैं सभी के क्या है सबसे पहला We sound it as ka. Indian accent में हम उसे का बोलते हैं का जैसे अगर हमें यहाँ पे कोई अक्षर कोई शब्द लिख जाता है कैन हम इसे कैन पढ़ रहे हैं कैन राइट वही अमेरिकन पढ़ता है ब्रिटिश पढ़ता है तो बोलता है कैन ठीक है वो क्या पढ़ता है कैन इसको हल्का क और हल्का ख ये किसका कॉम्बिनेशन है क और ख का लाइक इसमें क प्लस ख दोनों मिले हुए हैं हल्के हल्के से तो इसको बोला क्या जाएगा ख ख ख ख कैम कैम कैमरा camera 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 care take care take care so this kha sabko samajh mein sound iski kha in the last I will make you practice last mein sabko practice karunga sabse pehle samajhne ka kiski pronunciation kya so what will you read this cam ek aur akshar lete hai camera so but camera kya camera theek hai this is camera jahan pe bhi aapko c mil jaye aur k mil jaye dono ki same pronunciation hai चाहे वो लिखा रहे के आई टी ई क्या पढ़ोगे इसको दिस इज नॉट काइट नाउ दिस इज खाइट खाइट आई फ्लाई खाइट
Do you fly kite? Kite. So I'm at a kite. Kite. There is one more word. What is this? Kettle. Not keto. Kya padenge? Kettle. Kettle. Bike mein kya lagi hoti hai? Key. 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 Ab usko key mat bolna. Hey, excuse me. Give me key, please. Give me key. Kya bola? Key. समझ में आ रही बात है आपको? सी एंड के इज प्रोनाउंस्ड एज शेम ख ओके सी एंड दिस लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको हम अपने यहां रा बोलते हैं, रा, जैसे राम रहीम है ना, तो ये रा है. लेकिन वेन एवर इट कम्स टू द एक्शन, जब ये एक्शन की बात करते हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश की बात करते हैं, तब इसे आर ऐसे बोलते हैं. आर, ठीक है, ये जीभ है और ये आपका ऊपर का तालू, राइट. तो इस जुबान को आप इसे टच नहीं करोगे. अगर टच करोगे तो आवाज आएगी अर, ऐसे अर, अर, है ना. अब ये टच नहीं होगा तो क्या आएगा? अर, अर, राइट. सो सबको समझ में आ रहा है कैसे बोलना है? से विद मी, खार, खार. ये मैं हूं, ये मेरी खार है, है ना. ये वाले डायलॉग सुने थे आप लोग. सो ये आर आर आर, राइट. तो जैसे हम यहां पे लिख देते हैं खार वार, ठीक है, एंड सी ए आर जी ई एम टी. व्हाट इज दिस? टारगेट. टारगेट. सी, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट अक्षर थी. इसकी अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोनंसिएशन है अमेरिकन एक्सेंट के अंदर, ठीक है. इसको लेकिन नॉर्मली आपको क्या बोलना है? था, था, राइट, था. ये वाला ठ नहीं बोलेंगे, ये तो ठ है. लेकिन हम ये जो बात करेंगे, हल्का सा ट और ठ का कॉम्बिनेशन, ये क्या है? ठ. यहां पे जुबान लगानी है आगे, ठ, ऐसे झटके, ठ, ठ, ठ. टाइम, टाइम. टेंशन, टेंशन. ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन. टेलीविजन, टेलीविजन. टेलीविजन. I hope you understood the point of this, right? This is ta. Ta. Tea. Tea. Right? I take tea. 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 That's a tech ta. I take tea. I take tea. Okay. Now that we have another one, is really very important. जो लोग बड़ा गलती करते हैं इसको बोलने में, ये दोनों अक्षर मैं पास में लिख देता हूँ, क्योंकि इसी दोनों अक्षर में आपको confusion होती है. See, this is ph. हमारे इंडियन में से पा बोलते हैं, राइट. इसको कैसे बोलना है? दोनों लिप्स से. यू हैव टू टेक योर बोथ लिप्स और दोनों को ऐसे टच करना है, राइट. हवा ढेर सारी अंदर से लाओ, रोक लो और झटके से खोल दो, है ना. हवा अंदर से लाओ, फा, है ना. सो दिस इज फा, फा. पावर, पावर. पेन, गिव मी पेन, गिव मी पेन. पेन, पेन. Power, power, power. Payment, payment, payment. Rupee, rupee, rupee. P, p, p. Pa, pa, pa. Passion, passion. ये passion जुनून की बात कर रहा हूँ. जो आप लोग passion बोलते हो वो passion. अब ये वाला क्या, ये है उर्दू जो बोलते हैं ना, उर्दू जो सीखते हैं उनका तलफ्फुज इसका भी सही होगा. इन दोनों में ये अक्षर है, ये जो फ होता है ये फ है पी वाला, ठीक है. ये कौन सा फ है? पी वाला. इसमें दोनों लिप से बोलना है ऐसे फ, फ, राइट. लेकिन जब भी आप ये एफ लेटर को प्रोनाउंस करते हो तो आपको इसको बोलना है फ, ठीक है. जैसे नुक्ता लग जाता है नीचे यहाँ पे, ठीक है. ये वाला फ है एफ. जैसे वी से फादर, फादर, फादर. फाइन, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. फैन, राइट. हाउ यू हैव टू स्पीक इट, इसको कैसे बोलना है आपको ये समझो पहले. इसको बोलने के लिए आपको ये जीभ दिख रही, जीभ का कोई काम नहीं करना है इसमें. काम करना है आपको नीचे के होंठ का, ऊपर के दांत का, राइट. लोअर लिप, अपर टीथ, ऊपर वाली टीथ और नीचे का होठ. ऐसे जैसे मान लो ये होठ है ऊपर वाला, ठीक है, और ये नीचे का दांत है, तो इसको से टच करना है, ठीक है. ऐसे ऊपर का देख रहे हो, नीचे के होठ को दांत ऊपर से टच कर रहा है. फा, फा, फा. फाइन, 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 फाइन.
Fine. 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 Fantastic. 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 Okay, now say this. Actually, अभी से अगर बोलो आप ये फैशन और ये वाला साउंड करो. What is this? This is both lips से बोलना है. Fashion, 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 fashion. अंतर समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ओके सलमान आप इसे करके दिखाओ. आप बोलो एक बार फा, एक बार बोलो फा. फा, फा, फा. दोनों में अंतर आ रहा है क्या? फा एंड फा. ये बताओ कौन सा फा बोल रहा हूँ मैं? फा. एफ. और ये कौन सी फा है? फा. पी. राइट. अब जब भी आपके प्लीज अब जब भी आपके बुक्स में आपके स्पीकिंग में जब भी कोई पी लेटर वाला आएगा क्या बोलना है हमें? फा. और जब एफ वाला आएगा तो क्या बोलना है? फा. अभी आगे चलते हैं. ये देखो ये दोनों वर्ड्स हमें ये दोनों लेटर्स हमें परेशान करते हैं. वी एंड डब्ल्यू. वी को हम बोलते हैं ज्यादातर लोग इसे वा समझते हैं वा, लेकिन ये वा है ही नहीं है. ये क्या है? वा. क्या है? वा. जैसे नुक्ता क्या करता है? एक थोड़ा सा वाइब्रेशन लाता है ना, वैसे ही काम करना है इसके साथ. फिर से जैसे आपने एफ को प्रोनाउंस करा वैसे ही वी को करना है. एफ को कैसे किया था? नीचे का क्या लिया था आपने? लिप्स और अपर टीथ. फा ना. वैसे इसको करना है वा 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 वा. वैन 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 वैन. वेरी 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 very 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 much very much very van love love. अब इसमें भोजपुरी वाले में love है ना, उनका ये भा हो जाता है क्योंकि बचपन से उनको पढ़ाया जाता है कि यू के बाद भ्यू आता है ना, यू के बाद भ्यू ला देते हैं. राइट. एक्सक्यूज मी यू कैन टेक इट समथिंग क्लोजर. आप यहाँ से आ जाओ. नो प्रॉब्लम इन दैट. So have you understood this? समझ में आया ये चीज? Yes sir. This is वा and this is वा. इसमें कोई भी नुक्ता नहीं है, मतलब इसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं रहेगी. ऐसे सिंपल आपको होठों को गोल करना है. वा वा. राइट. जैसे अगर कहना है आपको वॉच, क्या बोलोगे? दिस इज वॉच. इसमें टच नहीं करना जुबान, दांत टच मत करना. क्या बोलोगे? वॉच वॉच. आई वॉच मूवी. आई वॉच मूवी. ओके एंड दिस वन इज वा साउंड. राइट. अगर यही कहना है वैन, क्या बोलोगे इसे? वैन. क्या बोलना है? वैन. आई बॉट अ वैन. आई बॉट अ वैन. I bought a van. Okay. I hope कि आपको ये सारी चीज समझ में आए. Yes, sir. मैं जहां पे उंगली रख दूंगा उसकी प्रोनाउंसिएशन बोलना आप लोग. Are you ready for this? Okay. R. V. V. Vibration करो. V. 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 Right now, I hope you understood these all the pronunciation. Now I'm going to make you the practice term, right? Yes. So let's practice for this.